हेलो प्यारे बच्चों, तो यार काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जिनको सीयूटी में एडमिशन लेना है और वो बोलते हैं कि भैया क्या हम काउंसलिंग कराएं ना कराएं, क्या हम इलिजिबल है काउंसलिंग के लिए, क्योंकि हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, हमारे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज अपन जानेंगे कि कितने मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है, राइट, और किस किस डोमेन में रिक्वायर्ड है। बेसिकली आप जिस भी कोर्स में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ना बहुत सारे कॉलेजों में तो ऑलमोस्ट 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट लेते हैं, जहाँ पे जो 2 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, एक आपका जनरल टेस्ट हो गया और एक आपका जो लैंग्वेज हो गया वो आपका कंपलसरी होता है, यानी कि आपका इंग्लिश और जनरल टेस्ट। इनमें भैया कितने मार्क्स होना चाहिए? तो यार आपके एटलीस्ट इनमें अगर आपको टॉप के कॉलेजेस चाहिए जस्ट लाइक DU वगैरह, तो यहाँ पे आप ट्राई करो कि काफ़ी ठीक ठाक 80 तक जाना चाहिए। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह की बात करूँ तो आपकी जो परसेंटाइल है 90 to 95 है, देन आप सेफ हो। अगर अपन अदर कॉलेजेस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, यहाँ पर जो एडमिशन है टिल लास्ट 30 तक भी हो जाता है। अगर अपन पिछले 2 साल की बात करें तो यार पिछले 2 साल के अंदर मैं CUET की बात करूँ तो यार यहाँ पे जो एडमिशन है वो 0 मार्क्स पे भी हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा वगैरह में लास्ट में जो स्पोर्ट राउंड होता है, अगर आपकी वहाँ पे अगर सीटें खाली रहती है देन जो है काफ़ी कम लो मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाता है, राइट। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यार मैं बात करती हूँ, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता है, JNU AMU BHU वगैरह में काफ़ी मतलब हाई कंपटीशन रहता है। लेकिन जो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेज हो गए, जैसे CU राजस्थान हो गया, CU पंजाब हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, इधर जस्ट लाइक हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो गई, बहुगुणा यूनिवर्सिटी हो गया, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी हो गई, मैनी मैनी कॉलेजेज आर अवेलेबल, ठीक है, जस्ट लाइक विश्वा यूनिवर्सिटी हो गई, ओके, सो जस्ट इनके अंदर जो है काफ़ी लो मार्क्स पे भी अगर आपकी जस्ट लाइक 3 आप ये मान के चलो कि आपको ये 2 तो कंपलसरी है, ठीक है, जनरल टेस्ट और आपका डोमेन, अदर जो आपका सब्जेक्ट वाइज जो है, ठीक है, जो टॉप के कॉलेजेज हैं उनमें तो आप 80 to 90 75 ऐसे मान के चलो, लेकिन अगर आपके 40 है 30 भी है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। टिल आपको ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है, बहुत सारे कॉलेजों के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है जिसमें भी आपने अप्लाई किया हो। स्पेशली यहाँ पे यार BTEC के कम कोर्सेज हैं, सीटें भी कम हैं, तो BTEC में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ने वाला, एंड BSc वगैरह में काफ़ी कम मार्क्स पे भी आपको सीटें देखने को मिल जाएगी। इसके लिए जो है आप मेरा CUET गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर जो भी CUET होती है उसमें जो आपका एडमिशन करा दिया जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, खूब बढ़ते रहो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का सम्मान करो, धन्यवाद।